मेरे बराबर वाले ऑपरेशन थिएटर में बाईपास चल रहा था, सही है, उस शख्स की हार्ट सर्जरी करने के लिए इन्होंने मेरी टांग काट के मेरी नस निकाल के उसको लगा था। एक बंदा अगर खुला हुआ है, आप मुझे इंसाफ की बात बताना, देखिए आप मुझे अब गुस्सा आ गया ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, और तमाम ही वो लोग जो इस वक्त फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे अपना वक्त जाया कर रहे हैं, उन सबको इस प्यारे से होस्ट का अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है, हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है। नहीं मतलब कि आप लिटरली देखें तो जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई की टेंशन होती है, जो अंकल होते हैं उनको पैसे कमाने की टेंशन होती है, जो लड़का होता है उसको लड़की की टेंशन होती है, जो लड़की होती है उसको लड़के की टेंशन होती है, और आंटी को इस बात की टेंशन होती है कि कोई मुझे टेंशन क्यों नहीं है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल में मैं आप लोगों के लिए एक शो लेके आया हूं जिसका नाम है तशरीफ टॉक्स। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, वो एक डॉक्टर हैं, और उनके साथ एक मरीज आए हैं, उनकी कुछ शिकायत है उस डॉक्टर से। तो क्या वो शिकायत है, क्या मामला है, ये हम जानेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड, फीलिंग गुड माशाल्लाह। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, लेकिन आप लग नहीं रहे, बहुत बीमार लग रहे हैं। ये अपने डॉक्टर से पूछो। नहीं, क्या आपकी शिकायत थी, इन्होंने कुछ मसला कर दिया आपकी? एक क्या तो आपने दो तीन चीजें जो है वो गलत बोली है। क्या अब ये जो आप बोल रहे थे पटर 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 जो बोल रहे थे, मुझे कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आई। क्या क्या नहीं समझ आप बता दे, क्लियर कर दें। आदमी किसके पीछे भागता? ज्यादातर पैसों के पीछे भागते हैं। मैं तो ताकत के पीछे इनके पीछे भागा था। अरे मैं असल में प्रॉब्लम पता है क्या हुई जी? ये भाई साहब आए मेरे क्लिनिक, सही है, कहा कि जी मुझे ताकत का ऑपरेशन कर दो। अब आप मुझे बताएं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब गलत बयानी से काम मत लो जी। एक मिनट उनको क्लियर करने दो, क्या मसला, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल। सही है जी सर, पहले मेरी सुने जी सर। मैं इनके पास गया था, सही है, डॉक्टर साहब मुझे ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत। मैंने कहा कुछ टेबलेट्स वगैरह दे दो। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दी, मुझे लिटा के मेरा ऑपरेशन कर दिया। यार यार देखें देखें, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपको दरअसल एक बात बताऊं, ये मेरे पास आया, हालांकि मैंने इनको मना किया कि देखें ताकत का तो कभी ऑपरेशन होता ही नहीं। नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। क्या एक मिनट, क्या किस बात की ताकत, क्या चीज कम थी आपके जिस्म में? ऐसी मचकाना बातें कर रहे हो यार। नहीं होता ना, कमजोरी बताएं ना, कोई होता है ना आरबीसी, कुछ ऐसी चीजें होती है जिस्म में। विटामिन डी 3 की मैंने कहा था, मुझे कोई गोलियां दे दो। मैंने तो कह रहा हूं मैंने टेबलेट्स मांगी थी, आपने ऑपरेशन कर दिया। देखिए मैंने सिर्फ इनको एक सजेशन दी थी कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, बगैर काट के खोल के हिला के फाड़ के डाल दो। है? ये कैसी टेक्नोलॉजी? तो मैं पहली बार होता क्या है पता है, उसमें होता कुछ नहीं, बंदे को कुछ नहीं होता, बस हल्के हल्के से कट लगते हैं और उसको पता भी नहीं चलता ना। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको ये टेक्नोलॉजी अवेल करनी है तो बोले। He said, yeah, okay, I'm fine. तो मैंने इनको लिटा दिया और फिर काम शुरू कर दिया। इन्होंने लिटाया भी नहीं था, मैं क्या बताऊं। आपको नहीं लिटाया था? मुझे कब लिटाया था? अच्छा, उनको लिटाया था, इनको खड़े खड़े कर दिया था मेरा, सिर्फ फाड़ दिया। मैंने आपको कट लगाया कहीं? दिखा, बहुत सारे कट लगाए। कटिंग, कट तो बड़ा छोटा होता है, कटिंग होती है ऐसे करके ना, पूरा पेट हमने खोला है बाकायदा इनका। और मुझे, मैं यकीन कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ की इनके अंदर जो है ना इतनी आंतों में इधर इधर अफीम, इधर गांजा, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा था। मुझे नहीं पता इनके क्या खाते पीते रहते हैं ये। मैं जिस चीज के लिए मैं इनके पास आया था वो सारी मुझसे ले ली, अब मैं किसी को कुछ दिखाने के काबिल नहीं बचा। क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। मेरा याद नहीं आता मुझे कि मैंने कोई ऐसी चीज की। नहीं, आपने टेस्ट करवाया ऑपरेशन के बाद के एक्सरे वगैरह होते हैं ना? मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया था, फिर उसने मुझे बताया अंदर तो अस्पताल के डस्टबिन में जो कचरा होता है वो बड़ा, जी कैसे रहे हो तुम? मतलब ये क्या चाहते कि इनके अंदर से कोई शाहरुख खान निकलेगा? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नहीं, क्या उन्होंने क्या बोला कि क्या था? मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको पता है एक हफ्ते तक तो मेरे पेट में खारिश सी हो रही थी। खारिश हो रही थी क्या, एलर्जिक हो गई होगी ना कोई? होती है, डॉक्टर के पास गया, इनके पास आया, इनसे पूछे इन्होंने क्या कहा। क्या कहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या था? इन्होंने मुझे, मैं बताता हूँ, इन्होंने मुझे कहा आपके अंदर जो कीड़ा है वो काट रहा है। ये मेरी बात नहीं माने, दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसने बताया अंदर कैंची पड़ी हुई। अब बात सुने, ये बंदा हर दफा यू करता था, बोलता था मुझे कुछ हो रहा है, तो हमें ऐसा लगा, आई थॉट कि मतलब अंदर कीड़ा हो सकता है, क्योंकि मीठा भी तो ये खाते हैं ना। नहीं तो ये बात प्रूव हो गई थी कि अंदर कैंची है, वो आ गया था रिपोर्ट के अंदर। अरे उनका तो कुछ भी नहीं, लोगों के तो तौलिए रह जाते हैं। मैंने इनको समझाया, देखे कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा जोर लगाए कैंची आ जाएगी। ये कितनी गलत बात, आप वाहियात बात कर रहे, कोई तौलिया रह जाता है, आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो, कह रहे हैं। देखिए गलत, मैं आपकी जानों के साथ खेला हूं? आपने पता नहीं किस किस चीज से खेला है मेरी, आप जानों की बात कर रहे हैं? तो जानू की, मैंने आपकी जानू के साथ खेला है? आपने जानू के साथ नहीं, आपने मुझसे खेला है, मेरी जिंदगी से खेला है। आप गलत हो, मैं देखे, अगर कोई ताकत की जगह गलती से थोड़ी बहुत टूट जाए या कट जाए तो वो जुड़ तो सकती नहीं, पहली बात तो ये। अब हमें लगा कि जी वो थोड़ा सा गलत हो गया ना,
तो वो थोड़ा सा कुछ थोड़ा ज्यादा गलत हो गया, तो हमने कहा गलत हो गया तो अब क्या करें? मुझे ना ऐसा लग रहा है, बल्कि सॉरी मुझे यकीन हो रहा है कि आप डॉक्टर नहीं है असली, आप मुझे जाली डॉक्टर लग रहा है। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं, मुझे खुद मोची एसोसिएशन ने डॉक्टर बनाया है। मोची एसोसिएशन का इससे क्या ताल्लुक? देखिए मैं बड़ा अच्छा मोची था, तो हुआ ये कि मैं बड़े अच्छे टांके लगाता था ना, ऐसे जूतों को ऐसे लगाते हैं, तो हमारे डॉक्टर बशीरुर रहमान होते हैं वहाँ पे, वो नीचे आए थे, बोला यार वो यार इकबाल जरा ये मेरे जूते जरा सी देना, तो मैंने सीए। बोला यार तुम तो हमसे ज्यादा अच्छे टांके लगाते हो, तो बोला एक मरीज ऊपर आते रहते हैं उनको हम काट पीट देंगे, तुम टांके लगा के जोड़ के फेंक दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। ये आप कब से कर रहे हैं ये काम? मतलब क्यों गलत काम कर रहा था मैं? ये ऑब्वियसली आप गलत काम कर रहे हैं। ऐसी कैसी आप मुझे आप डॉक्टर नहीं, आपके पास डिग्री नहीं है। ऑपरेशन के हालात पूछे जो इनके साथ ऑपरेशन रूम में हो रहा था, वो पूछे मैंने कोई ऐसी कोई गलत बात की इनके साथ? क्या ऑपरेशन में बताएं क्या हो रहा था? ऑपरेशन के दौरान मैंने कहता रहा मुझे लिटा लें, मुझे लिटा लें, लेकिन उन्होंने मुझे लिटाए बगैर मुझे काट दिया, चीरे लगाए, इधर चीरे उधर चीरा, मैं क्या बताऊं कहां कहां चीरा लगाया इन्होंने मुझे। देखिए मैं बताऊं हुआ क्या था, वो जब मुझे लग रहा है मैंने इनको एनेस्थीसिया दिया ना, तो एनेस्थीसिया जो है वो असर नहीं हुआ इन पे। मैंने कहा ये क्या हो गया है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं, हम तो जरा सा यूं करते हैं, हम यूं हो जाते हैं, समझ रहे हैं? अब इन भाई साहब को दो दो सीसियां में एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ये भाई साहब यूं देख के हमें हंस रहे हैं। हमने क्या किया, दो रख के मुक्के मारे इनके सर पे, नाक फोड़ी, तब जाके बेहोश हुए, और तब भी नीम बेहोशी हालत में कुछ ना कुछ हमें हमारी बातें सुने थे। बताए क्या बातें थी? के दौरान मुझे इनकी आवाजें आ रही हैं, ये मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बेबी आई एम ऑन द वे, मुझे बकरे वाली फीलिंग आ रही थी, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद मेरी किडनी को हाथ लगा लगा के कह रहे हैं ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली निकाल let के me, let me clear, नहीं मुझे बता clear, एक मुझे बता दे, मतलब मेरा किडनी को तो हाथ ही नहीं लगाया था उसका, मैं क्या बताऊं, इन्होंने मेरा सब कुछ निकाल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार वो तो थोड़ी मिस मेरी असिस्टेंट ने किया होगा, मैं तो किडनी समझ के यूं करके उठाया था वो। मोबाइल पर बात करते रहे तमाम ऑपरेशन के दौरान, इधर उधर की बातें करते रहे। आप मुझे बात बताएं, जब ये सब कुछ हो गया, जब आपको पता चल गया कि तस्दीक हो गई, कैंची भी है और इतने सारे वाकयात हो गए, टिश्यू का रोल, क्या टिश्यू का रोल भी अंदर भूल गए थे, अंदर था। हमने कहा खून को थोड़ा निकल रहा था, हमने कहा डाल के सुखा देते हैं अंदर, मतलब वो ब्लड बाहर ना है ना। आप देखिए टेक्निकल बातों में ना है आप, ये देखिए ये हमारे मसले में, ये डॉक्टरी, ये कैसी बात है कि आपने पूरा रोल ही अंदर डाल दिया, गत्ते का अंदर टिश्यू का रोल, इस तरह जानवरों को भी कोई नहीं ट्रीट करता है जिस तरह इस शख्स ने मेरे साथ किया होगा। आई नो मतलब वो तुम्हें पता है वो लिक्विड निकल गया होगा। एक हफ्ते तक बच्चों को पेट पे चढ़ा के मैंने छलांगे लगवाई है, मैं आपको क्या बताऊं। और इसी दौरान अगर वो मर जाते कोई टिश्यू पेपर गलत, आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। आपने टिश्यू से आज तक क्या किया पता है? पसीना साफ किया है, साफ ही किया है ना, कोई नुकसान हुआ आपको कुछ? लेकिन वो तो एक्सटर्नली करे ना, इंटरनली आपने टिश्यू पेपर डाल दिया, इंटरनल पसीना था तो वो टिश्यू से ही साफ होगा ना। अब आप बताए कोई डॉक्टर इस तरह की बातें करता है तो कौन करता है भाई? मतलब ये आदमी जाली डॉक्टर है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त से बात आवाम को बताना चाहता हूँ कि इस डॉक्टर की शक्ल देख ली जाए और इसको किसी भी तरह के पेशेंट का आइंदा इसके पास कोई इससे मिले ना, इस शख्स को। मैं आपसे एक बात, आपके हम आपके जो मेरे खानदान के ना वो तो आएंगे। एक सेकंड आप रुक जाए, मुझे आपकी असलियत का बिल्कुल पता चल गया कि आप क्या हैं। सही है, मैं इनसे बात कर रहा हूं। आपको जब इससे आपकी बिल्कुल मालूम हो गया कि आपके साथ क्या गुजरा है, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप अपनी रिपोर्ट लेके जाएं पुलिस स्टेशन, उधर आप FIR कटवाएं। मैं आपको बता दूं बात, मैं FIR कटवाने गया था थाने, उन्होंने कहा आपने FIR कटवा के क्या करना है, 2-3 साल बाद तो आपने वैसे ही मर जाना। सही बात बोली, ये बात नहीं होती, चाहे इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी कल मर जाए, हो सकता है 100 साल ये जी। अरे आप क्या बात करते हैं, मैंने जब इनका ऑपरेशन किया मैंने कहा अल्लाह के हुक्म से आप मर चुके हैं, आप बचेंगे नहीं, तो खड़े होकर जाने लगे। मैंने कहा ये बंदा नहीं मरेगा भाई, मैं समझ गया ये बात। अब आप बताएं मैं कहां जाऊं इंसाफ, मैं इंसाफ के लिए मैं आपके साथ हूं, मेरा शो आपके साथ है। आप ले आए कोई भी एनजीओ ले आए, जैसे एनजीओ से मैं दीगर एनजीओस को भी जानता हूं, वो भी आपके साथ खड़ी होंगी। ऐसे में सबने साथ छोड़ दिया, कहीं वो भी थोड़ी देर खड़ी रहकर चली ना जाए। नहीं नहीं वो इंशाल्लाह आपके साथ होंगी, मतलब वो तो खड़े भी हो जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं भाई, मतलब उनके तो बड़े टेक्निकल मसले हैं। क्या बताऊं मैं आपका, ये मेरे पास एक बार आए थे, इन्होंने कहा मुझे कान में दर्द है, मैंने आपको क्या किया था बताएं? मुझे नहीं पता क्या किया, कान में दर्द था मेरे, यहाँ से कुछ निकाल के इसने पत्थरी निकाली थी मेरी किडनी से इसने। कान में दर्द है आपने यहाँ पे क्यों फाड़ा? अरे वो फाड़ी टेक्नोलॉजी दूसरी थी, ये नहीं थी, ये नहीं थी उस वक्त, कह रहे थे वो फाड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, ये खोलो टेक्नोलॉजी थी। उसमें ये था कि इन्होंने कहा मेरे कान में दर्द है, जब मैंने कान से माइक्रोस्कोप लगाया और यूं करके देखा तो कान के थ्रू मुझे यूं पित्ते के अंदर से जाते हुए मैदा नजर आया, तो वहां पथरी पड़ी थी। अब मैंने तो उनका भला किया ना, मैंने वहीं से सुआ गुछेड़ा, वो नहीं जो चीक कबाब वाले होते हैं, मैंने यूं करके डाला। अब मुझे क्या पता कान का पर्दा भी फट जाएगा, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो इनका भला सोचा, मैंने यूं करके अंदर से यूं शीख कबाब का वो डाला रोल करके ऐसे करके ना, मैंने यूं करके निकाला तो साथ में इनका पर्दा भी आ गया। मेरे को पर्दे की क्या बात है, जामा पे मिलता है, लगा लेना पर्दा है। वाह
इक्विपमेंट को भी लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इस शख्स ने मेरे साथ वो किया है, मैं आपको क्या बताऊं। इसकी बातों से आपको क्या लगता है किसी किस्म का कोई डॉक्टर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मजाक देखिए, आपको पता है अगर मुझे बात बता दी, शो सीरियस है मजाक का है? ये सीरियस है, करनी पड़ेगी ना, वरना लोग देखेंगे नहीं। मैं इस वक्त जितनी तकलीफ में यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। भाई एक बार मुझे मुझे आप एक सबसे पहले क्लियर कर दें, आपने क्या क्या काटा है, कहाँ कहाँ आपने कटिंग की है, ये बताएं। देखिए कटिंग ये थी, मैं शलवार कमीज भी पहले सीता था ना, तो बड़े अच्छे सीता था, तो कटिंग मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कहा आप खड़े हो, मैंने यूं करके साइड साइड से जहाँ एक्स्ट्रा जिनकी चीजें थी मैंने काट दी। अब मुझे कोई आगे से लगी एक्स्ट्रा मैंने वो काट दी, जो मुझे पीछे से एक्स्ट्रा लगी मैंने वो काट दी, जो मुझे लगा कि यहाँ से एक्स्ट्रा मैंने सब काट दिया। सारा फैट मैंने इनको जीरो फैट करके दिया है। लोग इतनी मेडी लाइफ से पता नहीं कहाँ कहाँ से करोड़ों रुपए के इंजेक्शन लगवाते हैं, मैंने इनको फ्री में कर दिया बराबर वाले। लेकिन आपने उनकी तबीयत भी तो देखी क्या कर दिया, उनके साथ जान के साथ खेल रहे हैं आप। खेला नहीं है, कूदा भी है, खेला कूदा है इन्होंने मेरे साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बराबर वाले ऑपरेशन थिएटर में बाईपास चल रहा था, सही है, उस शख्स की हार्ट सर्जरी करने के लिए इन्होंने मेरी टांग काट के मेरी नस निकाल के उसको लगा। एक बंदा अगर खुला हुआ है, आप मुझे इंसाफ की बात बताना। देखिए आप मुझे, आप गुस्सा आ गया ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अगर एक बंदा खुला हुआ है, उसको हमने यहाँ से यहाँ तक काटा हुआ है, तो बराबर में भी एक मरीज खुला हुआ है, हमने कहा ये नस काम की है, वहां लगा दी, तो क्या बात होती है? दूसरे की नस आप दूसरे के दिल में लगा रहे हैं। अरे तो यार कैसी नस ही तो है, कोई और चीज थोड़ी लगाई। उसके बाद मुझे शेर पढ़ के सुनाते हैं, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हाँ बिल्कुल है, ये कैसा डॉक्टर है? मैं आपके शो के थ्रू इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, मेरी मदद करें। मैं वैसे ही कह देता हूँ कि नाज़रीन इन ऐसे डॉक्टर को आप अच्छी तरह देख लें, दोनों कैमरे इनके ऊपर जूम करें कि इनके पास कोई ना जाए, ये एक जाली डॉक्टर है, इन्होंने लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। मैंने किसी की जानों के साथ नहीं खेला, मैंने इसकी भी जानों के साथ नहीं खेला, हाँ मैं सिर्फ अपनी जानों के साथ खेलता हूँ। अगर कोई मर जाए और इनके खिलाफ, मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक्शन कौन सा डायरेक्टर है जो एक्शन लेंगे भाई, ऐसा कोई नहीं हो सकता। मैं इदारों से कह रहा हूँ, मैं इदारों से कह रहा हूँ, जो पुलिस होती है, ये जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं। उंगली नीचे करके बात, मैं आपकी तरफ किया, मैं तो उधर कैमरे की तरफ कर रहा हूँ। लोग काट देंगे उंगली आपकी, पहले बता रहा हूँ। मुझे ये बताएं मेरे लिए कोई इंसाफ होगा कि नहीं? आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होगा। और नाज़रीन मैं डिस्काउंट पैकेज बता देता हूँ, जितनी चीजें आपकी निकाली है तो मैं उनको वापस लगवा देता हूँ। अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें, डोनेशन कर दें वो चीजें, आपकी भी थोड़ी सी ताकत की चीजें कटेंगी। मैं आपके पास अभी रुकिए, मैं आपका क्या करवाता हूँ, मैं मेरा नाज़रीन जैसे कि आप फेशियल करवा दीजिएगा, बड़ी स्किन खराब हो गई। मैं आपका फेशियल भी करवाऊंगा, स्क्रब भी करवाऊंगा, स्क्रब भी करवाऊंगा, हां पूरी बॉडी पे स्क्रब करवाऊंगा। ये वैक्स करवा लेना, बाल बड़े एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक बात सुनिएगा जरा, एनजीओ को खड़ा करवाएंगे। जी जी जरूर इंशाल्लाह। ये बड़ी नेगेटिव बात कर रहे हैं, चले जी ओके मिलते हैं फिर। अगर नाज़रीन जैसे कि आपने देखा ये डॉक्टर कैसे थे और इनकी असलियत आप लोग ने अच्छी तरह जान ली होगी, तो नेक्स्ट शो के लिए मुझे इजाजत दीजिए और हमें बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।